हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू एक्सरसाइज 6C। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टार्ट। फर्स्टली आई एक्सप्लेन यू वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अंडरलाइन किए हुए मैंने। स्टूडेंट्स, आप अपनी बुक में अंडरलाइन करके चलेंगे यहाँ से, जैसे जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। ओके, फर्स्ट पॉइंट है आपका ईवी नंबर्स। ईवी नंबर्स आपके क्या होते हैं, जो डिजिट आपकी 2, 4, 6, 8, 10, 12 एक्सेट्रा से शुरू होती है, वो आपकी किसके अंदर आती है, आपकी इवन आती है। ठीक है, और ये क्या होता है, टू से इजिली डिविजिबल, एग्जैक्टली डिविजिबल भी हो जाती है, यानी कि टू से ये कट जाती है पूरी। उसके बाद है आपका ओड नंबर। ओड नंबर आपका क्या होता है, विषम, यानी कि आपकी जो डिजिट 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 एक्सेट्रा, ये सब किसके अंदर आती है, आपकी ओड नंबर्स के अंदर आती है। ओके स्टूडेंट्स, इनको आप क्या करेंगे, आप अंडरलाइन करके चलेंगे अपनी बुक में, और आपको इनकी डेफिनेशन याद भी करनी है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि ओड नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं। आफ्टर दैट एक्सप्लेन यू एक पॉइंट आपका जो है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जोड नंबर केवल अपने टेबल से कटते हैं, दूसरों के टेबल से नहीं कटते। ठीक है, नंबर्स विच हैव ओनली टू फैक्टर्स, नेमली वन एंड नंबर इट्सेल्फ, या फिर ये भी कह सकते हैं जिन नंबर के फैक्टर केवल दो होते हैं, एक तो खुद का नंबर होता है, जैसे कि आपका मैं 2 दे दूँ कि इसका फैक्टर करो, तो इसका फैक्टर क्या आएगा, या तो 2 ही आएगा या फिर 1 आएगा, क्योंकि 1 से इसको शुरू करेंगे आप डिवाइड करने के, फिर 1 के बाद आप 2 लेके आओगे, तो 2 से 2 कट जाएगा फिर इस तरह से, तो इसका फैक्टर क्या होगा, केवल 1 और 2 हुआ। तो यानी कि जो आपके फैक्टर 1 और 2 लेके आते हैं, यानी कि 1 एंड नंबर खुद का होगा, वो आपका क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। या फिर ये भी सोच आप इसको ईजी तरह से समझ के चले कि आपको क्या करना है, कि जो नंबर आपके बस खुद के टेबल से कटेगा वो आपका प्राइम नंबर आता है। स्टूडेंट्स, के बाद है आपका कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको केवल क्या बोला है इसने, नंबर्स हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स आर कॉल्ड एज कंपोजिट नंबर्स, यानी कि जो नंबर दो से अधिक फैक्टर रखते हैं वो आपके किसके अंदर आते हैं, कंपोजिट नंबर के अंदर आते हैं। या फिर आप इसको ये भी समझ सकते हैं कि जो नंबर अपने टेबल से तो कटेगा ही, साथ में दूसरे टेबल से भी कटेगा, वो आपका कंपोजिट नंबर के अंदर आता है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद आता है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन, ये देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है आपका, प्राइम फैक्टराइजेशन इज फाइंडिंग ऑल द प्राइम नंबर्स विच हैव मल्टीप्लाई टू मेक द ओरिजिनल नंबर। ठीक है, फैक्टर ट्री हेल्प्स एंड फाइंड द फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर। ये फिर आगे है, इसमें स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ समझ के चलना है कि जब हम प्राइम फैक्टर से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसके जो आंसर आते हैं वो आपके प्राइम होते हैं, क्योंकि वो केवल वही नंबर आते हैं आपके जो खुद के टेबल से कटते हैं। ओके, दूसरे के टेबल से नहीं कटते। तो जब मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगी तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, बस फिलहाल आपको क्या समझ के चलना है, फैक्टर निकालने होते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन आप दो तरीके से कर सकते हो। एक तो फर्स्ट है आपका ट्री मेथड, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्री मेथड होता है ये वाला, एंड प्राइम फैक्टराइजेशन एक ये वाला मेथड होता है। दो मेथड होते हैं आप जिसमें, जैसे कि आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि आपको क्वेश्चन प्राइम मेथड से करना है, कौन से मेथड से करना है। ठीक है, ट्री मेथड से करना है, सिंपल मेथड से करना है। तो यहाँ पे आपको ट्री मेथड क्या है, यहाँ पे 24 है आपको गिविन किया हुआ है, तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं। तो इसमें आपको स्टूडेंट्स पहले आप देख सकते हो 24 सबसे पहले किसके टेबल में आता है, 2 के में नहीं आता, 3 के में, 3 के में भी आ जाता है, तो आप 3 से भी कट कर सकते हो उसको पहले। ठीक है, 3 के में आता है, फिर 4 के में भी आता है, ठीक है, 6 के में भी आता है। ठीक है, तो आप इस तरह से कट कर सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए किसके टेबल में आता है और किसके नहीं। तो इसमें आपको एक एक्सप्लेन करके दिखा रही हूँ इसी क्वेश्चन को, इन्होंने क्या किया हुआ है बुक वालों ने, कि इस क्वेश्चन को 24 को सबसे पहले 6 के टेबल से कट किया, तो 6, 4, 24 दो बार कट हो गया। अब आपका 6 जो है ये आगे भी कट सकता है, इसको अब आगे भी कट करना पड़ेगा। तो 6 देख सकते हैं आप, 6 किसके टेबल में आते हैं, 3 के भी टेबल में आता है और 2 के टेबल में भी आता है, तो 2, 3 जनों ने यहाँ पे 6 कट कर दिया। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 भी एक ऐसा टेबल है जो दूसरे के टेबल में आता है, तो कौन से में आता है, 2 और 2 के में ही आता है, तो 2, 2 जा 4। तो स्टूडेंट्स इस तरह से इन्होंने ट्री मेथड किया है। तो स्टूडेंट्स इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। जैसे आपका 24 है तो इसको आप क्या करेंगे, एक तरह से इस तरह से कट कर चलेंगे प्राइम ट्री मेथड को, कि जो आपका प्राइम नंबर होगा यानी कि जो किसी के टेबल से नहीं कटेगा उसे आप सर्कल करके चलेंगे, और जो दूसरे के टेबल से कटेगा उसको आप क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर यानी कि एक स्क्वायर के टेबल के अंदर करके चलेंगे। तो जैसे कि अब मैं लिख रही हूँ, आप ध्यान दीजिएगा, 24। ठीक है, इसको हमने क्या करना है, ट्री मेथड बनाना है सेम ऐसे जैसे आपको बोला है बुक में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको ट्री मेथड बनाने के लिए पहले अपनी दो लाइन ऐसे
बनाएंगे इसमें, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, 24 सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, 2 से भी कट कर सकते हो, क्योंकि 2 ऐसी डिजिट है। ये आप डिजिट जो देख रहे हो यहाँ पे स्टूडेंट्स, आप इसे इस तरह से भी कर सकते हो कि डिजिट चेक कर लो कि आपकी ओड डिजिट है या इवन डिजिट है, ठीक है। अगर आपकी इवन डिजिट है तो जाहिर सी बात है सबसे पहले आपका क्या आता है, नंबर 2 आता है, तो 2 से वो आसानी से कट जाएगी। तो आप इसको 2 से कट करके चलेंगे। 2 आपका कैसा नंबर है, जो आगे नहीं कटता है, किसी से नहीं कटता है। तो 2 कैसा नंबर है स्टूडेंट्स आपका, 2 ऐसा नंबर है जो आपका आगे कटता नहीं है, और ये क्या है आपका प्राइम नंबर भी है, इसलिए आप इसको यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद आपका जो आता है 2 से जब इसको कट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 12 आ गया। तो 12 को आप क्या करेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट कर देंगे, क्योंकि ये आगे भी कटेगा। जो आपको नहीं कटेगा, जो आपके प्राइम नंबर हो गए, उसको हम सर्कल करके चलेंगे यहाँ पे, और जो आगे कटेंगे उनको हम ब्रैकेट यानी कि स्क्वायर शेप या फिर रेक्टेंगल शेप, ठीक है, कोई भी शेप बना के आगे उसको कंटिन्यू करेंगे। अब आपका 2 तो एज इट इज रहेगा क्योंकि ये नहीं कटेगा, ये प्राइम नंबर बन गया। अब 12 को हम फिर से 2 ऐसे बना लेंगे, ये भी ट्री मेथड ही है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, इसको 12 किसके टेबल में आता है, एक तरह से ये आपकी पता है आपको, ये ओड डिजिट भी है, तो सबसे पहले इसको 2 से ही कट करेंगे। तो 2 फिर से आपका प्राइम नंबर होता है, इसको हमने सर्कल कर दिया। 2 से जब 12 को डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या आ गया, 6 आ गया। तो इसको क्या करेंगे आप, ब्रैकेट में कन्वर्ट करेंगे, ओके स्टूडेंट्स। इसके ऊपर आप ब्रैकेट बनाएंगे फिर से इसके, आप क्योंकि ये क्या है, ये कंपोजिट नंबर है, ये आगे भी कट सकता है दूसरे के टेबल से, तो किससे कटेगा, 2 के टेबल में फिर से आता है 6, तो 2 और 3, 2 3 जा 6। अब आप सोचेंगे कि 3 को इस बार मैंने क्यों सर्कल किया, क्योंकि 3 जो है अब प्राइम नंबर है, क्योंकि 3 केवल अपने ही टेबल से कटेगा, दूसरे के टेबल से नहीं कटेगा, ओके स्टूडेंट्स। तो आप इसको इस मेथड से भी कर सकते हैं, और जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया इस वाले मेथड से भी कर सकते हैं। इससे आपको ईजी ये हो जाता है कि आपको बार बार ये नहीं चेक करना पड़ेगा कि आपको और कौन सी डिजिट कट रही है और कौन सी कट रही है, केवल आपका एक बार में खत्म हो जाएगा, आपको याद रहेगा जो आपने सर्कल में लिखे हुए हैं, ये सर्कल वाले आपके प्राइम नंबर है, जो आपके ब्रैकेट वाले हैं वे आपके कंपोजिट नंबर है, एक बार में ही आपका आसानी से काम हो जाएगा, ओके स्टूडेंट्स। इसके बाद आपका सेकंड पैटर्न जो है वो है ये वाला, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इससे भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो जो मैंने अभी ट्री मेथड आपको एक्सप्लेन किया है स्टूडेंट, सेम प्रोसीजर है इसका, ये निकालने का। 24 देखो आप सबसे पहले किससे कट किया हुआ है, उन्होंने 2 से किया हुआ है, क्योंकि 2 क्या है आप देख सकते हो, 24 क्या है आपकी इवन डिजिट है, तो इवन डिजिट आपकी सबसे पहले किससे कट जा सकती है, 2 से। तो 2 आपकी छोटी डिजिट भी होती है, तो आप उसे 2 से ही कट करके चलेंगे, ओके। फिर 2 से जब आप इसको कट कर देंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा। अब ये 12 क्या आपका आगे भी कट सकता है, आपको ये तब तक काटना है जब तक ये कटता रहे, ठीक है। फिर 2 से फिर से लेंगे, क्योंकि फिर से इवन डिजिट है, तो 2 से कट किया तो 2 6 12 आ गया। तो 6 यहाँ आपको यहाँ पे क्वाड्रेंट लिखने होते हैं, जैसे कि आपका 24 है, ठीक है। 2 से डिवाइड करोगे तो 2 1 2 हो गया, फिर 4 उतारेंगे नीचे तो 2 2 जा आपका 4 हो गया, ठीक है। तो जो क्वाड्रेंट आते हैं ये आप यहाँ पे लिखते हैं, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, ओके। उसके बाद आपका फिर 2 6 12 हो गया, फिर 2 3 6 हो गया। तो जो ये नंबर यहाँ आए हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई एंड लास्ट इज 3, यहाँ पे इन्होंने छोड़ा हुआ है, हम यहाँ पे चाहे तो इसको ये पूरा कर सकते थे ऐसे, ये इसको आप यहाँ पे 3 से ऐसे कट करके इसको लिख सकते थे 1, यानी कि 3 के टेबल से पूरा कट हो गया। अभी आपके क्या आ गए, प्राइम नंबर आ गए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ओके स्टूडेंट्स। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर जो आपकी जो मैं आपको पॉइंट्स क्लियर कर रही थी ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। उसके बाद ये इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दिए ट्री मेथड से और प्राइम फैक्टराइजेशन से क्वेश्चन को। तो उसके बाद जो आपका नंबर है वो है को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स आपके स्टूडेंट्स क्या होते हैं, यहाँ पे समझिएगा, 2 नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम इफ दे डू नॉट हैव कॉमन फैक्टर अदर वन को प्राइम नंबर्स नीड नॉट बी प्राइम नंबर्स, ओके स्टूडेंट्स। यानी कि जब आप क्या करते हो, किसी कोई भी 2 डिजिट आपको गिविन की हुई है, ठीक है, तो उसका फैक्टर अगर आपके 2 से अधिक आ रहे हैं तो वो आपकी कोप्राइम नहीं होगी। लेकिन अगर उसके फैक्टर केवल 2 ही कॉमन आ रहे हैं, जैसे कि 1, जैसे कि आपने 7 का निकाला और 8 10 का निकाला, ठीक है, तो उसके जो आप निकाल लोगे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आंसर निकालोगे तो, ओके स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आपका जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो नंबर आपके 2 जब आपका कॉमन फैक्टर निकालोगे तो आपका कॉमन फैक्टर अगर दोनों का 1 आ रहा है तो वो आपका कोप्राइम है, अदरवाइज नहीं होगा, ओके। उसके बाद आता है आपका ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होता है, जब आप कोई प्राइम नंबर जो आप कोई किसी की डिजिट हो उसके बीच में जो डिफरेंस हो 2 का हो तो वो आपका क्या होता है, प्राइम नंबर। 2 प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस, 2 प्राइम नंबर जो होते हैं उनका डिफरेंस जो होता है 2 होता है, वो क्या कहलाते हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स कहलाते हैं, ओके स्टूडेंट्स। जैसे कि इन्होंने एग्जांपल भी दिया है कि जैसे कि ए है 3 5, तो 3 5 क्या है, सेम डिजिट है,
कैसी है, प्राइम नंबर है, सॉरी ये 3 और 5 कैसी डिजिट है आपकी, प्राइम नंबर है। तो 3 क्योंकि ये खुद के टेबल से कटती हैं, तो 3 5 का जब आप डिफरेंस निकालोगे, क्योंकि 5 में से आप 3 को लेस करोगे तो क्या आ गया, 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये क्या है आपके ट्विन नंबर्स हुए। ठीक है, ऐसे 17 19 ऐसे 41 एंड 43। ओके, तो ये आपके क्या हुए, ट्विन प्राइम नंबर हुए। तो स्टूडेंट्स अब आप क्या करते हैं, हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज जो है 6C है। स्टार्ट करते हैं यहाँ से, राइट डाउन द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो इसको आपको क्या करना है, यहाँ पर फैक्टर निकालने हैं यहाँ से। स्टूडेंट्स जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने टिक किए हुए हैं, आपको क्या करना है, ये जो टिक किए हुए हैं ये तो आपको बुक कॉपी में करने हैं, और जो इसके अदर जो क्वेश्चन बचेंगे वो आपको क्या करने हैं, अपनी रफ कॉपी पे ऐसे प्रैक्टिस करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में भी किए हुए हैं, और वो क्वेश्चन नंबर 3 है वो मेरा कंप्लीट है, क्वेश्चन नंबर 4 आपको बुक में ही करना है। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 एक्सप्लेन करूँ, उसके बाद मैं आपको कॉपी का काम एक्सप्लेन करूँगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, ओके स्टूडेंट्स, तो आपको जो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे देख रहे हो वो आपको क्या करना है, यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4, तो पी से आपको प्राइम लिखना है, सी से आपको कंपोजिट नंबर लिखना है। तो स्टूडेंट्स आपको पता है जो नंबर अपने टेबल से कटेगा केवल वो आपका क्या होगा, प्राइम होगा, जो दूसरे के टेबल से कटेगा और अपने से भी कटेगा वो आपका कंपोजिट होगा। तो आपको क्या लिखना है, सिर्फ यहाँ पे पी और सी का लिखना है। ठीक है, तो जैसे कि आप ए देख सकते हैं 12 है, दूसरे नंबर से भी कटेगा इसलिए सी हो गया, ऐसे ही आपका 31 है तो आपका पी हो गया क्योंकि ये सिर्फ अपने नंबर से कटेगा। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से आपको क्या करना है, आगे के पार्ट करने हैं। ठीक है, खुद कर उस पे रफ कॉपी पर करके देखेंगे, देन इसको क्या करेंगे अपनी यहाँ से मैच कर लेंगे जो मैंने आपको पीडीएफ सेंड की हुई है। उसके बाद जो 1 है, 1 आपका ना तो प्राइम होता है और ना ही क्या होता है, वो कंपोजिट होता है। ओके, क्योंकि ये फैक्टर जो है आपके जब निकालते हो आप, ये प्राइम के अंदर भी आते हैं और ये कंपोजिट के नंबर भी आते हैं। ओके, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो आपका बुक में आपकी कॉपी पर एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं आपका कॉपी वर्क। तो कॉपी वर्क आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है जो आपका, यहाँ पे क्या करना है, फैक्टर निकालने हैं स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आप देख सकते हैं फैक्टर कैसे निकालते हैं, सबसे पहले आपको पता है कि फैक्टर, राइट डाउन द फैक्टर। अगर आपको क्वेश्चन में सिंपल कहा गया है फैक्टर, यहाँ पे समझ के चलेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत कन्फ्यूजन आएगा आगे आगे आपके सामने, क्योंकि बार बार आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपको फैक्टर कहाँ निकालने हैं, प्राइम फैक्टर कहाँ निकालने हैं, एचसीएफ कहाँ निकालना है, कि बहुत अभी एक्सरसाइज ही बड़ी है। तो आपको सिर्फ अगर केवल क्वेश्चन में कहा है कि फैक्टर, ओनली फैक्टर्स, ठीक है, तो आपको क्या करना है, वहाँ पर केवल ये वाला प्रोसीजर से आपको फैक्टर निकालने हैं, केवल फैक्टर निकालने के लिए। अगर प्राइम फैक्टर का है तो जैसे कि मैंने अभी आपको ट्री मेथड एक्सप्लेन किया था, उसके साथ में ये वाला भी मेथड सेकंड यूज किया था, ये इससे आपको क्या है निकालना है। अगर केवल आपको प्राइम फैक्टराइजेशन का है, प्राइम फैक्टर का है, तो ये वाला रूल अप्लाई करना है। ठीक है, अगर ट्री मेथड का है तो ट्री मेथड में तो आप इजीली आपको पता चल जाएगा, ट्री मेथड तो एक ही होता है, तो ट्री मेथड से आप ये निकाल लोगे। ओके, उसके बाद अगर आपको केवल फैक्टर का है तो आपको स्टूडेंट्स क्या करना है, केवल ये वाला रूल अप्लाई करना है। तो जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। अब तो ए जो पार्ट है इसका 44 जो है आपका क्वेश्चन 44 है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 लेना है। 1 के बाद आपको नंबर लेते चलना है, जिससे कट होगा उससे तो लिखते चले जाएंगे, और जिससे कट नहीं होगा उसको आप स्किप यानी कि उसको नहीं लिखोगे। तो जैसे कि आपका 1 है, तो 1 से आप क्या करेंगे, सबसे पहले 44 को डिवाइड करेंगे। तो 44 को कैसे डिवाइड करेंगे, 1 4 जब 4 होते हैं तो 4 लिख दिया, फिर 4 नीचे लिखेंगे, फिर सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1 4 जा 4 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से पूरा कटेगी। तो स्टूडेंट जो आपका यहाँ पे क्वाड्रेंट आएगा उसको आपको केवल क्या करना है, यहाँ पे लिखना है, यानी कि जिससे आप डिवाइड कर रहे हो वो यहाँ लिखेंगे, जो क्वाड्रेंट आएगा वो यहाँ लिखना है, और यहाँ पे लिख दोगे इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करके 1, क्योंकि 44 1 जा क्या होते हैं 44 होते हैं। ओके, 1 के बाद क्या आता है आपका, 2 आता है। तो 2 अब आपको सेम प्रोसीजर से फिर से यही करना है, कट करेंगे, 2 2 जा क्या होते हैं आपके 4 होते हैं, तो कट कर दिया, फिर आप फिर से 4 नीचे उतारेंगे, फिर क्या करेंगे 2 2 जा फिर से 4। ठीक है, तो जैसे कि आपका ये कट हो गया, तो स्टूडेंट्स ये फिर से 0। तो क्वाड्रेंट एक चीज़ का ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, आपकी जो डिजिट होगी, जैसे 44 आपका क्या है, यहाँ पे आपको फैक्टर निकालने हैं, तो जिस जो भी यहाँ पे आप डिजिट लोगे कट करने के लिए, जो भी टेबल होगा उससे वो डिजिट पूरी कटनी चाहिए, और पूरी कटने के बाद क्या होना चाहिए, जो क्वाड्रेंट आएगा उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। ठीक है, जिससे आप इसको डिवाइड करें। तो जैसे कि आपने 2 से डिवाइड किया था, और क्वाड्रेंट क्या है आपका यहाँ पे 22 आया, जैसे कि आप देख सकते हैं क्या आया आपका 22 आया। ठीक है, ये आया यहाँ पे, तो इससे क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ रहा है वो 44 ही आ रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, 3 लेंगे, 3 से आपका क्या होगा, एक कट नहीं होगा, जैसे कि मैं आपको दिखा सकती हूँ एक बार करके,
44, तो 3 1 3, तो क्या करेंगे 4 से इसको माइनस करेंगे, यहाँ से 14 आ गया, तो 3 के टेबल में 14 नहीं आता, उससे छोटा क्या आता है यहाँ पे 12 आता है, तो 3 4 जो 12, फिर 4 में से 2 गए 2, तो ये 3 के टेबल में नहीं आता, यानी आपका क्या है यहाँ पे रिमाइंडर लेफ्ट नहीं होना चाहिए। ओके, डिवाइड करते वक्त आपका क्या होना चाहिए, यानी रिमाइंडर लेफ्ट नहीं होना चाहिए, अगर लेफ्ट हो रहा है तो इट मीन्स ये आपका एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। तो क्या करेंगे अब यहाँ पे 3 को स्किप कर देंगे जैसे मैंने आपको बताया था, फिर 3 के बाद क्या आता है 4 आता है, 4 से आप इसको फिर से डिवाइड करेंगे तो जो क्वाड्रेंट आएगा वो यहाँ पे लिख लेंगे, 4 के बाद क्या आता है 5 आता है, 5 से आपका क्या होता है ये डिविजिबल नहीं होगा, 5 के बाद क्या आता है 6 आता है, 6 से भी आपका 44 डिविजिबल नहीं होगा, फिर 6 के बाद क्या होता है आपको ये जब तक चेक करना, आप ही सोचो कि ये निकालना कब तक है, तो ये आपको निकालना तब तक है जब तक कि आपका ये रिपीट ना हो जाए नंबर, जैसे कि 4 × 11 आ रहा है ना, इसी तरह का आपका इस तरह का नंबर आएगा 11 × 4, यानी कि इस तरह का जब तक नंबर नहीं आ जाता आपको तब तक रिपीट करना है। और हालांकि हमको ये लिखना नहीं है ये 11 × 4, बस हमको देखना है कि वहाँ तक ये नंबर आपका डिविजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर 4 के बाद आपने जैसे 5 चेक किया, 6 किया, 7 नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, फिर 9 से भी नहीं कटेगा, फिर 10 से भी नहीं कटेगा, 11 से कटेगा, तो 11 आ गया आपका, 11 से क्या करेंगे आप यहाँ पे 11 × 4 लिख देंगे, तो ये आपका 44 आया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये आपका क्या हो रहा है यहाँ पे रिपीट हो रहा है, जैसे कि 4 × 11 तो 11 × 4 आ रहा है, तो रिपीट नहीं करना है क्योंकि आपको फैक्टर लिखने हैं, तो वो तो फैक्टर आपको यहाँ से भी मिल जाएंगे, जैसे कि 1 2 4 11 22 44, ओके, इस तरह से आपके क्या हो गए यहाँ पर फैक्टर सारे आ गए, ठीक है। इसी तरह से स्टूडेंट्स आपको क्या करना है जो बी ई एच मैंने आपको पार्ट दिए हुए हैं पे आपको फेयर करने हैं, जो बाकी के पार्ट आपको एज ए प्रैक्टिस करने हैं, सब में आप देख सकते हैं सबसे शुरुआत जो मैंने की हुई है यहाँ पे सबकी 1 से की हुई है, यहाँ भी 1 से की हुई है, जो नीचे जो पार्ट है वो भी 1 से किया हुआ है स्टूडेंट्स। तो आपको क्या करना है सबसे पहले 1 के बाद 2 से चेक करेंगे डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है, फिर 3 से, फिर 4 से नहीं हो रहा था इसलिए नहीं लिखा, जिससे नहीं होगा उसे मत लिखो छोड़ दो, ठीक है। फिर 6 है, फिर ऐसे आपका फिर आगे रिपीट हो रहा है क्योंकि 9 10 90 हो गया, फिर 10 आएगा 9 के बाद, तो रिपीट हो रहा था इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया, जो फैक्टर होते हैं ये मैंने यहाँ पे लिख लिए, ओके स्टूडेंट्स। इस तरह से आपका बी भी कंप्लीट होता है, ई भी ऐसे ही करना है आपको, फिर आपका जो एच है तो आप देख सकते हैं एच पार्ट यहाँ पे इसके काफ़ी फैक्टर आ रहे हैं क्योंकि ये क्या है एक इवन डिजिट है, इवन डिजिट के काफ़ी फैक्टर निकल जाते हैं आपके। तो स्टूडेंट्स जो आपका एक और मैं आपको बता देती हूँ, आपका कभी कभी जो कहते हैं मैं बता रही थी कि रिपीट हो रहा है तो आपको नहीं लिखना है, जैसे कि आपका कहाँ हो रहा था 4 का जब मैंने निकाला था तो आपका ये रिपीट हो रहा था ना 11 × 4 इस तरह से, तो मैंने आपको कहा था कि आपको इसको नहीं लिखना है, ठीक है, यहीं तक लिख के आपको आंसर आपका फैक्टर्स निकल जाएंगे। उसके बाद आपका फिर से एक रिपीट कहाँ हो रहा था 9 × 10 = 90, ठीक है, फिर आपने क्या करा था एक यहाँ आपका फिर रिपीट हो रहा था 10 × 90, ठीक है। तो इस तरह से आपके रिपीट होगा तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन एक दो क्वेश्चन में आपका शायद ये भी आ सकता है रिपीट होना आपका, ये तो होगा ही होगा, साथ में एक ये भी रिपीट होता है जैसे कि 6 6 36, यानी कि जब सेम नंबर आएंगे, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि आप सोचो कि मैम ने तो बोला था कि सिर्फ अगर इस तरह के नंबर आएंगे तो ही आपको आगे नहीं निकालना है, ये तो सेम मतलब इस तरह से नंबर आए इसमें तो निकाल सकते हैं, मैम ने बताया नहीं था। तो आपको याद रखना है कि अगर इस तरह के कोई नंबर सेम रिपीट हो रहा है आपका फैक्टर निकालते वक्त तो आपको आगे नहीं लिखना है, ओके स्टूडेंट्स। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर टू स्टूडेंट्स आपका क्या करना है, आपको जो फैक्टर है आपको, ठीक है, तो जो आपका फैक्टर्स था आप जब उसके जो आपको याद हो प्राइम फैक्टर जो मैंने अभी आपको बताया 42 के जैसे आप फैक्टर निकाल देंगे, ठीक है, तो उससे तो आपका ये नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें मिस्टेक कर दोगे आप। इसे क्या करेंगे जो मैंने अभी आपको फैक्टर सिखाए हैं जैसे कि 42 का ही निकालना है आपको, तो 42 का पहले क्या करेंगे 1 से डिवाइड करके चलोगे तो ये आप लिख दोगे यहाँ पे 42, फिर 2 लोगे, फिर इस तरह से इसका यहाँ पे निकाल के आ गया 42, ये आपका यहाँ पे क्या आ रहा है 21 आ रहा है, ठीक है, यहाँ लिखेंगे 21। फिर 3 से कट करके देखोगे आपका 3 से कट हो रहा है क्या, तो 3 1 3 3 4 ये 3 से भी हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका 4 से कट हो रहा है नहीं हो रहा है, ये 4 से कट नहीं होगा, फिर 5 से नहीं होगा, फिर आपका ये 6 से भी नहीं होगा, फिर 6 से हो जाएगा, 6 से हो जाएगा, ये आपका 6 × 7, तो ये गोडे, लेकिन जब आप 7 × 6 लोगे ये रिपीट हो रहा है तो इसको यहाँ पे इसको छोड़ देंगे आप, ठीक है, इसको यहाँ पे क्या करोगे छोड़ दोगे, सबसे पहले 1 से डिवाइड करके देखोगे, फिर उसके बाद आप क्या करोगे 2 से डिवाइड करके देखोगे, फिर 3 से, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से हो जाएगा, और 7 से अगर करोगे तो रिपीट हो रहा है, तो रिपीट वाले आपको रिपीट नहीं करना है। तो स्टूडेंट्स आपको इसमें से केवल 2-3 फैक्टर लेने हैं, आपको केवल क्या करने 3 लेने हैं केवल, अगर उनके आपस में मल्टीप्लाई करके जो 42
आ जाए। तो अगर आप चेक कर सकते हैं, जैसे मैंने शुरू के 3 ले लूँ, तो शुरू के 3 क्या है आपके फैक्टर, 2 है, 3 है, 6 है, तो मैं आप अगर इन तीनों के आपस में मल्टीप्लाई करती हूँ क्या आता है आंसर, 2 3 6 6 6 36, तो आंसर नहीं आ रहा मेरा 42। आपको इनमें से 3 फैक्टर ऐसे लेने हैं कि आपका आंसर क्या आ जाए, 42 आ जाए। तो 3 फैक्टर कौन कौन से होते हैं, मैं 2 भी ले सकती हूँ, 3 ले सकती हूँ, और 7 लेके देख लूँ इस बार, तो 2 3 जा कितने हो गए, 6 6 7 जा 42 हो गए। ठीक है, तो 2 3 6 6 7 जो 42 हो गए। तो इस तरह से आपका क्या हो गया, फैक्टर कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो है आपका जो है इसके डी पार्ट है वो भी सेम है, आपको ऐसे फैक्टर निकालना है, फिर चेक कर लेना है कि आपका कौन सा फैक्टर किससे मैच हो रहा है, जो इसका आंसर 120 आ जाए। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मैंने आपको पॉइंट्स क्लियर किए थे वही चीज़ यहाँ पर रिपीट हो रही है, बस इनके क्या करने हैं यहाँ पर आपको आंसर देने हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट जो है आपका, ठीक है, इसमें लिखा है राइट ऑल कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, आपको क्या करना है लगातार नंबर लिखने हैं। कौन से नंबर लिखने हैं, बिटवीन 51 एंड 71, और कौन से होने चाहिए वे नंबर आपके, इवन नंबर होने चाहिए, इट मींस सम जो संख्याएं होती हैं। तो 51 के बाद 52 आता है, 53 तो नहीं लिखेंगे, 54 56, इस तरह से आप लिखते चले जाएंगे इवन डिजिट। ठीक है, क्योंकि इवन डिजिट तो आपको पता भी है क्या होती है, तो लगातार लिखनी है आपको, छोड़ के नहीं लिखनी है, लगातार लिखनी है, तो लिख दिया यहाँ पे। फिर उसके बाद है आपका बी पार्ट, देख सकते हैं बी पार्ट में इसने बोला है राइट फर्स्ट 7 मल्टीपल्स ऑफ 12। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था फर्स्ट 7 का मतलब हो गया शुरू की जो 7 डिजिट है उनको 12 से गुना करके लिखना है, तो या फिर आप एक तरह से ये भी समझे कि 12 का टेबल ही लिखना है 7 बार, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, लिख देंगे। ओके, उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर सी, इसमें कहा है राइट द मल्टीपल्स ऑफ 13 विच लाई बिटवीन 50 एंड 100। आपको क्या करना है, 13 के मल्टीपल्स लिखने हैं जो कि बस 50 और 100 के बीच में आते हो, उससे ज़्यादा ना आते हो। तो जो आपके मल्टीपल्स होते हैं, जैसे कि स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 1 से होती है, 2 से होती है, 3 से होती है, ठीक है, स्टार्टिंग तो यहीं से होती है ना। अब आपको फिर उसके बाद एंड सोन होता है, 1 2 3 4 एंड सोन होता है, तो इसने कहा लेकिन 50, इसने हमारे सामने क्या शर्त रखी है, 50 और 100 के बीच में, तो आपको क्या करना है, तब तक मल्टीप्लाई चेक करनी है 13 की। जैसे कि मैं आपको करके दिखा देती हूँ एक बार, जैसे कि 13 मल्टीप्लाई 1 कितना हो गया, 13 हो गया, फिर ऐसे 13 का टेबल ही समझ लो एक तरह से, ठीक है, फिर 13 2 जा आपका क्या आ गया, 26, फिर 13 3 जा 39, 13 4 जा आपका, फिर इस तरह से लिखते चले जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखने के बाद में जहाँ आपका 50 से ऊपर आ जाएगी संख्या और 70 के बीच में, सॉरी 100 के बीच में, बस वे ही संख्या लिखनी है। ओके, तो इस तरह से देख सकते हैं 52 65 78 71 आ रहा है आपका। ओके, उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर डी, डी में आपको क्या करना है, डी वाले में आपको कहना है राइट ऑल ओड नंबर्स बिटवीन 30 एंड 50, राइट ऑल ओड नंबर्स बिटवीन 30 एंड 50। आपको क्या करना है, यहाँ पे ओड नंबर लिखने हैं, क्या लिखने हैं, ओड नंबर लिखने हैं 30 और 50 के बीच के। ओड नंबर क्या होते हैं, जैसे कि 31 33, इस तरह से, तो सिंपल है। उसके बाद है ई, इसमें क्या करना है, राइट ऑल प्राइम नंबर्स 60 एंड 80। आपको जो मैंने आपको बताया था ना डेफिनेशन लर्न करने, आपको पता होना चाहिए, अगर वो आपको लर्न हो जाएंगे ना तो आप इजिली यहाँ पे लिख पाओगे प्राइम नंबर क्या होते हैं, ईवी नंबर क्या होते हैं, ओड नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कुछ भी जो भी आपसे पूछा जाएगा आप यहाँ पे आंसर आसानी से दे सकते हैं। एंड लास्ट इज क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम ऑफ फैक्टर्स। इसे आपको प्राइम फैक्टर्स से एक्सप्रेस करना है, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल एक्सप्लेन किया था ऊपर। तो 54 को सबसे पहले आप इस तरह से लिखेंगे, तो आपको देख सकते हैं यहाँ पे डिजिट क्या है, इवन डिजिट है, तो सबसे पहले किससे कट करेंगे, 2 से, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर इवन डिजिट है तो 2 से कट करके चलना, अगर ओड है तो 3 से, अगर 3 से नहीं कट रहा है तो 5 से, ठीक है। तो उसको क्या करेंगे, कट करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 27, जो आपको क्वाड्रेंट, इससे 2 से आप जो 54 को डिवाइड करोगे जो क्वाड्रेंट आएगा वो आपको यहाँ लिखना है। ओके, फिर 2 से है तो ये कटेगा नहीं क्योंकि ये ओड डिजिट आ गई, तो 3 से कट करेंगे, 39 जा कट गया, फिर उसके बाद किससे कटेगा, ये 33 जा कटेगा, फिर आपका इसी तरह से चेक करके आपका आंसर पूरा हो जाएगा। फिर जो आपके इधर जो पार्ट आप देख सकते हैं ये लिखे हुए हैं इधर 2 3, ये वाले ये आपके क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं, प्राइम फैक्टर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आंसर यही लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद 112 है, 112 आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसी तरह से आपको सेम प्रोसीजर है इसका भी, सबसे पहले ये आपकी इवन डिजिट है तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा, फिर उसके 2 के बाद इसको डिवाइड करेंगे, फिर से इसका आंसर आ जाएगा, जो क्वाड्रेंट है, जैसे कि 100
ट्वेल्व है तो टू से कट करेंगे क्योंकि इवन डिजिट है, तो टू फाइव जो टेन हो गया, फिर उसके बाद वन या नीचे उतारेंगे ट्वेल्व आ गया, तो टू टू सिक्स जो ट्वेल्व आ गया, तो पूरा कट रहा है। जो पूरा कटने के बाद जो क्वाड्रेंट है वो आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है, ठीक है। क्वाड्रेंट जो है उसका वो लिखना है यहाँ पे, फिर से कट करेंगे, फिर ऐसे क्वाड्रेंट लिखेंगे, फिर से कट करेंगे, फिर लिखेंगे, फिर जो ये आप देख सकते हैं इधर जो नंबर आ रहे हैं, ये सारे नंबर क्या आ गए, प्राइम नंबर आ गए, क्योंकि अब किसी टेबल से नहीं कटते। तो आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पर आंसर करके लिख देंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई सेवन। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से आपकी जो एक्सरसाइज सिक्स सी है वो कंप्लीट होती है। ओके, आई होप कि आपको समझ आई हो जो मैंने आज समझाया है। फिर भी अगर कोई पॉइंट्स आपका क्लियर नहीं हो पाया है, आपको समझ नहीं आया है, या तो स्कूल ओपन होंगे तब आपको समझाया दिया जाएगा दोबारा से, या फिर आपको अगर फिर अगर अभी समझना है तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।